अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल स्पाइस खाना विद नासिया में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे भुना चिकन इतनी क्रीमी और रिच फ्लेवर के साथ कि आप इसका फ्लेवर एकदम भूल नहीं पाएंगे। झटपट बन जाने वाली ये रेसिपी है। चलिए भुना चिकन की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 चम्मच सरसों के तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है। गरम तेल में हमें कुछ खड़े मसाले को देना है, 1 बड़ी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1/2 चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता को मैं 4 टुकड़ों में करके यहाँ पर दे रही हूँ। गरम तेल में इन सारे गरम मसाले को हमें दे देना है। अब हमें 2 प्याज को रफली चॉप करके दे देना है। प्याज को हमें इतना फ्राई करना है कि प्याज का कलर चेंज हो जाए और प्याज हमारे जो है सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हमें 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट देना है। 1 मिनट हमें इन्हें फ्राई कर लेना है जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन जो है वो निकल जाए और इसमें जो हल्की सी स्मेल रहती है ना वो भी निकल जाए। तो जब हम अदरक लहसुन को फ्राई करते हैं ना तो टेस्ट भी बढ़िया आता है। अब हमें 2 टमाटर को रफली चॉप करके यहाँ पर दे देना है। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर हमें देना है। 1 चम्मच धनिया पाउडर देना है। 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक, 2 से 3 मिनट भूंज लेना है जिससे कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू रिलीज होने लगेगी। 3 मिनट में यहाँ पर मसाले को भूंज ली हूँ तो आप देख सकते हैं कि टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं। इस तरह से आप मैश भी कर सकते हैं। 3 मिनट मसाले भूनने के बाद सारे तेल सेपरेट हो गए हैं और मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू रिलीज हो रही है। अब हमें यहाँ पे 1/2 कप दही को देना है, अच्छे से फेंट के देना है, इसमें कोई लम्ब्स ना रहे। बस अभी से देकर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। लो फ्लेम पे हमें दही को ऐड करना है। दही देने के बाद ना इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ जाएगा। यहाँ पे मैं 1/2 kg चिकन दे रही हूँ। चिकन को हमें अच्छे से 4 से 5 मिनट भूंज लेना है। चिकन भूनना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि मसाले का फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर चला जाएगा, चिकन हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हमें कवर करके फिर से चिकन को मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट कम से कम हमें पकाना है। 1 से 2 बार हमें इन्हें खोलकर चेक कर लेना है और फिर से हमें कवर कर देना है। इससे क्या होगा कि चिकन हमारे एकदम पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब चिकन के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए यहाँ पे 1/2 चम्मच हमें गरम मसाला पाउडर देना है। कुछ कटे हुए धनिया के पत्ते और हरे मिर्च देकर हमें इन्हें गार्निश कर देना है। तो ये लीजिए, भुना चिकन मसाला हमारा बनकर सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे रोटी पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऊपर से कुछ कसूरी मेथी दे देते हैं, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।